योगी मोदी मुर्दाबाद 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 योगी मोदी मुर्दाबाद 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 योगी मोदी मुर्दाबाद 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 चंद्रशेखर को रिहा करो रिहा करो रिहा करो चंद्रशेखर को रिहा करो रिहा करो रिहा करो रीतों पर अत्याचार करना बंद करो बंद करो बंद करो रीतों पर अत्याचार करना बंद करो बंद करो बंद करो जय भीम जय भीम। और हमारा जो आंदोलन है बघाड़ा, इससे पहले मीरपुर के आंदोलन में भी 3 महीने जेड़ में रहा था और उस बघाड़ा आंदोलन में भी हमारे खिलाफ राजद्रोह के मुख्य नगर में थे और जो आंदोलन लगातार जारी है। इस देश में मोदी की सरकार आने के बाद जिस तरह से एक योजनाबद्ध तरीके से दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। उसका केवल एक रास्ता है, बाबा साहब द्वारा बताए हुए संघर्ष, उससे ही ये लड़ाई लड़ी जा सकती है और कोई रास्ता नहीं है। आज जो हमारे साथ हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है और उसके लिए हम पहले से तैयार भी हैं कि मोदी सरकार के पास दलितों के अलावा लठों के अलावा ये देने के लिए कुछ नहीं है, परंतु इतने हम कमज़ोर नहीं हैं, इनके लठ टूट जाएंगे, दलितों की छाती नहीं टूटेगी, ये सिद्ध हो चुका है इस देश में। जो मांग पत्र और जो इनको देने की बात है, मेरे हिसाब में 5 लीटर गाय का मूत्र और 5 लीटर गोबर और 5 गाय लेकर के आओ और गाय का मूत्र इनको पिला दो, ये हिंदुओं का अमृत है, ये पी करके हमारा मांग पत्र ले लेंगे। ये ऐसे मारने वाले लोग हैं, आदमियों को नहीं समझते, पशुओं की भाषा समझते हैं, पशुओं जैसे आदमी है। इसलिए इनसे लड़ाई लड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद और एक बार फिर बाबा साहब अमर रहे।